मैंने मना किया था ना इस गरीब का ऑर्डर लेने से, तुम्हारी हिम्मत कहती हुई इसका ऑर्डर लेने की। मैम ये काफी देर से बैठा था, इसको भूख भी लगी थी, इसलिए मैंने सोचा मैं इसकी ऑर्डर ले लेती हूँ। और आपको तो पता है ना, हमारे बॉस बोलते हैं सभी को खाना खिलाना चाहिए, अमीर हो या गरीब। बड़ी देनदाता है तो अपने घर में ले जाके बैठा के खिलाना। ये रेस्टोरेंट की ओनर मैं हूँ अभी, अब तू बताएगी कि यहाँ का बॉस कौन है कौन नहीं है। अभी यहाँ की बॉस मैं हूँ। इन जैसे फटीचरों के लिए ये रेस्टोरेंट नहीं खोला है मैंने। इनकी औकात 20 रुपए की होती है, वो रेडी पर करना छोले भटूरे खाने की। तू वहाँ जाके खाए ना, और मरता है भूख से तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी चप्पल पहनने की तो औकात नहीं है, यहाँ बैठ के ये खाना खाएगा। यहाँ की पानी की बोतल भी ना 200 रुपए की है, ये खाने के पैसे कैसे अफोर्ड करेगा। मैम इसके पास पैसा है तभी तो खाना खाने के लिए आया है। अपनी जुबान ना बंद कर, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने बोलने की। और हाँ, इसके हालात देख के लग रहा है किसके पास पैसे होंगे यहाँ खाना खाने के। ऐसा लग रहा है झुग्गी झोपड़ी से उठ के आया है, कितनी बदबू आ रही है। इसको यहाँ बैठा के हमारा रेस्टोरेंट खराब करना चाहती है। अगर तूने मुझसे जुबान लड़ाई ना, तेरी तो मैं नौकरी खा जाऊंगी। 2 मिनट नहीं लगेंगे तेरे को यहाँ से निकालने में। मैम आप नहीं हो, आपको इस रेस्टोरेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारे बॉस का ऑर्डर होता है कि इस रेस्टोरेंट में जो भी आए कोई भी इंसान भूखा ना जाए यहाँ से। अभी भी मुझसे जुबान लड़ा रही है ना। अब देख तुझे ना मैं यहाँ से निकाल के रहूंगी, तेरे जैसा स्टाफ नहीं चाहिए मुझे यहाँ। तो क्या हुआ, नंगे पैर तो मैं भी हूँ। हाँ तो तुझे कौन सा घुसने दूंगी, तू भी निकल यहाँ से। मैम आप इनके साथ बदतमीज से बात नहीं कर सकती, आपको पता नहीं ये कौन है। होगा कोई, मुझे क्या लेना देना इससे। कल की पार्टी की, कोई बात नहीं, इसे बैंक में जमा कर देना। ठीक है ठीक है। ये कैशियर इसको सर क्यों बोल रहा था? क्योंकि ये यहाँ के बॉस हैं, इसलिए कैशियर इनको सर बोल रहा था। सॉरी सर, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ के बॉस हैं, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं है ना। माफ कर दूं तुम्हें? अरे मेरी कहा इतनी औकात कि मैं तुम्हें माफ करूं? उल्टा तुम तो मुझे मेरे रेस्टोरेंट से धक्के मार के बाहर निकालने वाली हो ना। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और तुम्हें पता है हमारा रेस्टोरेंट ना तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि हमारे क्लाइंट और हमारे एम्प्लॉइज की वजह से चलता है। अगर यहाँ पे कोई कस्टमर ना आए ना तो ये रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। और वही, ये लोग अच्छी सर्विस ना देना उन्हें तो वो लोग भी यहाँ पे दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन तुम तो लोगों को उनके कपड़ों से, उनकी हैसियत से जज करती हो ना। और हमारे रेस्टोरेंट का रूल है, यहाँ पर कोई भी आए चाहे वो गरीब हो या अमीर, हमारा फर्ज है कि कोई भी यहाँ से भूखे पेट ना जाए। और वैसे भी मैंने सारे एम्प्लॉइज को बोल रखा है कि यहाँ पे जो भी आए उनको खाना खिलाओ, पैसे का क्या है, वो आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। पर सर मैं तो आपका ही फायदा सोच रही थी, अगर ऐसे लोग खाना खा के चले जाएंगे तो कितना नुकसान होगा। मुझे ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए जो किसी इंसान से मजबूरी में लिया हो। ये रेस्टोरेंट ना मेरे दादाजी के नाम पे है और मैं नहीं चाहता तुम जैसे लोगों की वजह से मेरे दादाजी का नाम खराब हो। उन्होंने इस रेस्टोरेंट को बहुत मुश्किलों से खड़ा किया था और मैंने इस रेस्टोरेंट को उनके आशीर्वाद से यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया। तुम जैसे लोग इसको बंद करवाना चाहते हो। मैम मैं आपको काफी देर से समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन आप तो मेरी बात समझ गया। बोलिए आप मुझे जॉब से निकालने की धमकी दे रही थी, आपको लगता है कि मेरे बॉस मुझे जॉब से निकालेंगे? कभी नहीं। इस रेस्टोरेंट में पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ, मेरे बॉस आज तक मुझे नहीं निकाले। जानती हैं क्यों? क्योंकि मेरा व्यवहार अच्छा है, यहाँ जितने भी कस्टमर आते हैं मैं सबका इज्जत करती हूँ, उसके पास पैसा हो या ना हो। आपने अपनी कानों से सुन लिया ना हमारे बॉस ने क्या बोली, कि इस रेस्टोरेंट में जो भी आएगा वो भूखा नहीं जाएगा। मैडम छोटी मुंह बड़ी बात, आपका घमंड इस चीज का है कि आप HM की डिग्री हासिल करके आई हैं। लेकिन एक बात बता दूं, डिग्री से ज्यादा ना तजुर्बा मायने रखता है। मैनेजर साहिबा अब आप आराम से जाएंगी या आपको धक्के मार के निकालूं अपने रेस्टोरेंट से, क्योंकि हमें हमारे रेस्टोरेंट में इतना रेप्यूटेटेड पर्सन नहीं चाहिए। प्रीति तुम्हारा काम करने का तरीका सच में बहुत अच्छा है, तुम इंसान की हैसियत नहीं उसकी जरूरत के हिसाब से उसे डील करती हो। ऐसे ही काम करती रहो, बहुत आगे जाओ।